अपनी एक मांग वेतनमान की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष पिछले 127 दिनों से जितने भी जेटेड सफल सहायक अध्यापक है यस जो है यहां पर धरने पर है। आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम जो है इनकी ओर से रखा गया है। आप लोगों ने कई कार्यक्रम किया, कई दिन हो गए हैं, क्या एक मांग की जो आप लोगों की वेतनमान है क्यों नहीं वार्तालाप हो पा रही है सरकार के? देखिए, हम लोग इस माटी को सरकार के इस उद्देश्य से बनाए थे कि इनकी चुनावी सभा में इन्होंने कहा था, उसका वीडियो क्लिप भी हम लोग के पास है, कि बोले थे कि आप लोगों को वेतनमान हम अपनी सरकार को जैसे हमारी सरकार आप बनाते 3 महीना के अंदर हम वेतनमान देंगे। हम आज भारत के संविधान के भाग 3 आर्टिकल 19(2) में जो प्रदत्त शक्ति है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके तहत हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और हमेशा चरणबद्ध आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करते आ रहे हैं। शिक्षक होने के नाते हम लोग पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र जो कहती है भारत के संविधान के तहत, उसके तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को हर एक स्टेप में इनके जो है जो विधायक सत्ता पक्ष के हो चाहे मंत्री हो, हम लोग उनके घर जा करके उनके द्वार जा करके अपनी मांग को ज्ञापन दिए हैं, सभी का समर्थन मिला है कि आपकी मांग जायज है। तो भाई यहाँ पूर्व मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा था सारी वादे मांग पूरी हो गई आप लोगों की, नाम बदल जी उन्होंने एक समन्वय समिति का गठन किए थे, उसमें एक थोड़ा सा पहल हुई थी और उन्होंने बोले थे कि भाई हम टेट के लिए अलग से फिर बैठक बुलाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिगवंत जगन्नाथ महतो नहीं रहे, अगर वो रहते तो ये दिन हमें लगता कि देखने को नहीं रहता। लेकिन शिक्षा विभाग भी अभी माननीय मुख्यमंत्री के पास है और जिसके वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है कि उनके पास विभाग है किन्हीं के पास भी नहीं है और वह मुख्यमंत्री भी हैं, राज्य के मेन कहिए तो लोकतंत्र के मुखिया हैं, इसीलिए घेराव करने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो आगे जाने दिया जाएगा? बैरिकेडिंग सब कुछ को तो रोक दिया गया है। अब देखिए भाई, हमें तो लोकतांत्रिक अधिकार आर्टिकल 19(2) कहता है कि भाई आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपना कर सकते हैं हक व अधिकार के मांग को लेकर के। अब उनकी ड्यूटी क्या है? मेरा तो हक अधिकार है लोकतंत्र के तहत, मैं तो अपने जाऊँगा। मैं भीम प्रजापति, प्रखंड सचिव लातेहार से। कहाँ से हैं आप? मैं लातेहार जिला से हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आज हमारा आंदोलन 127 दिनों से आमरण अनशन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि आप जब 2019 में आए थे तो आप 3 घटक दलों ने वादा किया कि टेट पास सफल पारा शिक्षकों को पलक झपकते चुटकी में 3 माह के अंदर हम वेतनमान टेट पास पार्टियों देंगे। आज 4 साल बीत चुका है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की तरह जो है सोए हुए हैं। सरकार तो 4 साल का कार्यकाल, 4 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी है, यह सरकार जो है तानाशाही की ओर अग्रसर है। मैं बता देना चाहता हूँ, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, आपने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हेमंत सोरेन जी को 2024 की कुर्सी में नहीं रहना है, सत्ता गंवाना है तो ये उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। जब आप वादा किए हैं टेट पास को वेतन मान देने का, हम 9300 से 34000 का पे स्केल का मांग करते हैं और आज झारखंड के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी टीचरों को चपरासी का वेतन थोपने के लिए बेचैन हैं। 5200 से 20200, ये निकम्मा अयोग्य अविवेकशील मुख्यमंत्री झारखंड के इतिहास में आज तक पैदा नहीं लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बता देना चाहते हैं, बिरसा मुंडा की धरती में हम लोग आए हुए हैं, सिद्धू कानू नीलांबर पीताम्बर का इतिहास रहा है, हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग क्रांतिकारी करने वाले हैं। आप जो वादा किए हैं चुपचाप वेतन मान दीजिए, टेट पास पारा टीचर जो है झारखंड प्रदेश के तमाम 2400 जिले के 264 प्रखंडों में सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षा का लग जगाने का काम करें। मीडिया भाई ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा पक्ष और विपक्ष मिलकर के 81 विधायकों ने ध्वनि मत से अपना वेतन मान बढ़ाने का काम किया। हम स्वागत करते हैं, आप वेतन मान लीजिए, लेकिन आप जो हैं मामूली लेबर बना के हम लोगों को रखा गया है, 15 से 20 हजार मान दे दिया जा रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आप हम लोग यहाँ हुंकार भरने आए हैं, हम लोगों को वेतन मान जल्द से जल्द दिया जाए ताकि हम लोग जो शिक्षा का काम कर रहे हैं वो करें और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कुर्सी में बने रहें, लेकिन इसके लिए वेतन मान उन्हें देना होगा नहीं तो जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सहायक अध्यापकों का कहना है कि जब अपनी विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री की वेतन मान बढ़ाने की बात होती है तो वह विधानसभा से पास हो जाता है, लेकिन जब जो राज्य को चला रहे हैं, जो अलग जगा रहे हैं शिक्षा की, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके वेतन मान पर बढ़ाने की बात जब आ जाती है तो चुप्पी साध ली जाती है सरकार द्वारा। आज उसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए विवश हुए हैं सभी सफल सहायक अध्यापक। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ
जो है इनके कार्यक्रम का असर होता है, क्या कुछ सरकार की ओर से संज्ञान ली जाती है। 127 दिन हम लोगों के हो गए और हम लोगों का एक मांग वेतन मान है, जो सरकार हमसे वादा करके आई है और सरकार जो है से इतना दिन देर की, आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव में आए हैं और हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। इसके लिए जितने भी ब्रैकेटिंग सरकार लगाई है, हम प्रयास करेंगे, हर एक ब्रैकेटिंग को हम तोड़ेंगे। इसके लिए प्रशासन से हमें दो दो हाथ भी करना पड़ेगा, तो आज तमाम साथी हमारे तैयार हैं दो दो हाथ करने के लिए। इलाके सरकार हमारी बात को अभी तक सुनी नहीं है, आज सरकार सुनेगी, क्योंकि वह गहरी नींद में सोई हुई है। ये झारखंड के तमाम हमारे जो साथी हैं उन्हें वह सुनाने आए हैं कि आप हमारा हक जल्द से जल्द दें। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।